नमस्कार, आप देख रही हैं पल पल। हरियाणा में चुनाव को लगभग 10 दिन बचे हैं और सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रदेश भर में प्रचार करने पर पूरा जोर लगा रखा है। चाहे वह उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में हो या अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी दौर में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनावी दौर में कैथल के ब्लॉक पुंडरी विधानसभा में पहुंचे और जनसभा कर जनता से कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सतर्क हो चुकी है और अब प्रदेश की जनता खट्टर का कांटा निकाल लेगी और भाजपा पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, जनता उनके झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। अगर कोई किसान कर्ज ले भी लेता है और वह चुकाने में असमर्थ होता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चल सकेगा और साथ ही हम प्रदेश में बेरोजगार खत्म करने का काम करेंगे और बुढ़ापा पेंशन 3,000 प्रति माह कर देंगे। और इसी के साथ आप देखिए पल पल की खास खबरें।